इन वंदे मातरम साथियों, राघोपुर का वीर सपूत बीएसएफ जवान सिलीगुड़ी में हुए शहीद। जुड़ावनगर थाना क्षेत्र के चक सिंगार पंचायत के रामपुर करारी बरारी निवासी बीएसएफ जवान ब्रजेश मिश्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ब्रजेश मिश्रा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांस्टेबल के रूप में तैनात थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं प्रखंड में बीएसएफ जवान के शहीद होने की खबर से मातम पसर गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शहीद के भाई अरुण मिश्रा ने बताया कि गुरुवार दोपहर सिलीगुड़ी में तैनात बीएसएफ के अधिकारी ने उनके घर फोन कर ब्रजेश मिश्रा के शहादत की सूचना दी है। उसने बताया कि ब्रजेश मिश्रा का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गाँव चकसिंगार पंचायत के रामपुर बरारी आएगा। जानकारी के अनुसार ब्रजेश मिश्रा के पिता स्वर्गीय बालेश्वर मिश्रा भी बीएसएफ में तैनात थे और 2020 में वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके बाद ब्रजेश मिश्रा ने मार्च 2022 में अनुकंपा के आधार पर बीएसएफ में अपना योगदान दिया था और वे भी मां भारती की गोद में सदा के लिए समा गए हैं। सिलीगुड़ी में राघोपुर के बीएसएफ जवान ब्रजेश मिश्रा जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, आज इनका पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से पहुंचा है, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीएसएफ में तैनात राघोपुर के लाल ब्रजेश मिश्रा अपने कर्तव्य के दौरान बलिदानी हो गए हैं। बीएसएफ के अधिकारी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं। चकसिकार पंचायत के रामपुर बरारी गांव के रहने वाले ब्रजेश मिश्रा बीएसएफ के जवान थे। वे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात थे और मां भारती की गोद में सदा के लिए समा गए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है, जहां राजकीय के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। राघोपुर के बेटे ने कर्तव्य के दौरान बलिदानी होने को लेकर शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार के सदस्यों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वहीं पार्थिव तिरंगे में लिपटा देख हर किसी की आंख अन्नम हो गई है। सेना की ओर से उन्हें सर्वोच्च सम्मान देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।